इस वीडियो में जानेंगे ICICI बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल को कैसे एक्टिवेट और इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आई मोबाइल को ओपन करेंगे। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप जो है सिंपली प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर लें। तो सबसे पहले हम आई मोबाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है रेफरल कोड ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और इसके बाद नीचे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से अपना सिम चूज कर लेंगे जो आपने ICICI बैंक में रजिस्टर करा रखी है। और इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है दे रहा है कि योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ चूज द लॉगिन मेथड। अब आपसे यहाँ पे लॉगिन मेथड के लिए पूछ रहा है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा कि आप जो फिंगरप्रिंट, या हमारे में फिंगरप्रिंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है नहीं दिया है। फिंगरप्रिंट या फिर आप 4 डिजिट पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे केवल आप 4 डिजिट पिन से ही लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 4 डिजिट पिन को सेलेक्टेड रहने देंगे और इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट पिन सेट कर लेंगे। कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। और यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रीफर्ड मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप अपने डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड से, तो हम यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड से करेंगे और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपके डेबिट कार्ड के पीछे एक ग्रिड सिस्टम दिया हुआ है, उसमें अल्फ़ाबेट करके नंबर दिया हुआ है, यहाँ से वहाँ पर आप देख करके इसमें जो है इंटर कर लेंगे और इसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है आप आई मोबाइल में जो है लॉगिन हो गए हैं और यहाँ नीचे ओके गॉट इट थैंक्स पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर जो है आपका अकाउंट शो हो जाएगा और यहाँ पे व्यू बैलेंस पे टाइप करके अपना बैलेंस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपका UPI ID शो हो जाएगा अगर आपका UPI ID ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप जो है स्टेटमेंट देख सकते हैं अपना और यहाँ से आप डेबिट कार्ड को अपना मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ सर्विसेज से आप जो है ढेर सारी इसमें सर्विसेज दी हुई है और यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में और बिल पे से आप बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। और यहाँ रिचार्ज से आप मोबाइल रिचार्ज या फिर DTH रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ माई अकाउंट से आप अपना अकाउंट्स डिटेल्स देख सकते हैं। कार्ड एंड फॉरेक्स से आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड को लिंक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लोन से आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट एंड इंश्योर, यहाँ से आप जो है FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप PPF अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से आप म्यूचुअल फंड से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से Insta SIP कर सकते हैं, कैंसर कवर यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से जो है आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं, डोनेशंस, होटल, फ्लाइट और बस यहाँ से बुक कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इसमें बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।